डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं रिलेटेड टू सिग्मा अलजेब्रा। फर्स्टली यही थ्योरम है कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें एक क्लास ऑफ सबसेट्स है जो कि नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन है ए, और हमने देखना है कि सिग्मा रिंग भी जो सा होगा, सिग्मा रिंग जो क्लास, जिस क्लास को हम सिग्मा रिंग कह रहे हैं, वो इनफैक्ट एक सिग्मा अलजेब्रा भी है, प्रोवाइडेड डेट के वो इटसेल्फ जो नॉन एम्प्टी सेट है, सबसे बड़ा सेट, ग्राउंड सेट या यूनिवर्सल सेट जिसको आप कह सकते हैं, या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जिसको कहते हैं आप, वो उस क्लास को बिलोंग करेगा, तो फिर वो सिग्मा रिंग भी सिग्मा अलजेब्रा बन जाएगा। तो देखिए, ये बिल्कुल उसी वे में आप प्रूफ करेंगे जैसे हमने इसको पहले किया था एक थ्योरम में कि एवरी अलजेब्रा इज ए रिंग। ठीक है, सॉरी, जो सेकंड थ्योरम हमने किया था कि रिंग जोन सा होगा वो अलजेब्रा भी होगा अगर वो एक्स ए को बिलोंग करेगा, रिंग जोन सा होगा ये रिंग ए वो अलजेब्रा भी होगा अगर वो एक्स जोन सा है वो ए को बिलोंग करे। तो यही एग्जैक्टली इसी मैनर में हम इसको प्रूफ करेंगे। उसकी वजह क्या है प्रूफ करने की, कि वैसे ही प्रूफ होगा, उसकी वजह ये है कि रिंग और अलजेब्रा और सिग्मा अलजेब्रा और सिग्मा रिंग, इसकी प्रॉपर्टीज यूनियन वाली सेम होती है, सॉरी कंप्लीमेंट वाली सेम होती है, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। ठीक है जी, तो रिंग में भी ए यूनियन बी वाली प्रॉपर्टी, ए डिफरेंस बी वाली और ए यूनियन बी वाली प्रॉपर्टी दोनों में है, तो यही प्रॉपर्टी जो जिस तरीके से यहाँ पे हमने सॉल्व किया था वही यहाँ पर यूज हो जाएगी सिग्मा अलजेब्रा और सिग्मा रिंग के केस में। ठीक है जी, तो इसके लिए कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर आते हैं। वो कह रहा है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा जोन एक्स। अब सिग्मा बहुत बड़ी क्लास है, एक तो क्लास ऑफ सेट्स है, अब वो क्लास ऑफ सेट्स का भी एक सेट है जिसको हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन कह रहे हैं ऑफ सिग्मा अलजेब्रा। सिग्मा अलजेब्रास की जोन सी है वो एक क्लास बनेगी, वो कह रहे हैं जी वो भी एक सिग्मा अलजेब्रा ही होगी जब उनका इंटरसेक्शन लेंगे, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। तो देखें जी यहाँ पर अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, वही चीज कि हम लेट करेंगे सिग्मा अलजेब्रा की एक क्लास जो नॉन एम्प्टी सेट एक्स पर डिफाइन होगी। तो लेट करें, लेट कह जी क्यू आप कह दें एक सिग्मा अलजेब्रा की क्लास है, हाँ जी आर्बिट्रेरी क्लास, हाँ जी कह जी बी आ क्लास ऑफ सिग्मा अलजेब्रास ऑन नॉन एम्प्टी सेट एक्स। ठीक है जी, ये उसके ऊपर एक क्लास डिफाइन की गई है और आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर ये जो क्लास होगी नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास का सबसेट है, तो इनफैक्ट अगर एम्प्टी क्लास भी होगी तो वो उसकी वजह से वो नॉन एम्प्टी ही रहेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट का अगर एक मेंबर एम्प्टी हो तो वो हरगिज़ इसको आप एम्प्टी नहीं कहते। तो बस ऐसी ही सिचुएशन है। अब देखना है हमने कि इस क्लास के जो यूनियन होगा, इन अलजेब्रास का जो यूनियन होगा, अलजेब्रास ओ सॉरी इंटरसेक्शन होगा, तो हमने अब प्रूफ करना है, प्रूफ ऑर्बिट्रेरी, ऑर्बिट्रेरी कह दिया, अब हम यहाँ पर 1 2 3 काउंटेबल हम उनका इंडेक्स नहीं लेंगे बल्कि कोई ऑर्बिट्रेरी लेंगे। ठीक है जी, ये क्या है जी क्लास की ऑर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, हाँ जी टू प्रूफ इज आल्सो इज सिग्मा अलजेब्रा। ठीक है जी, तो आपने दो प्रॉपर्टी सिग्मा अलजेब्रा के लिए देखी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी जी, कि पहली यहाँ पर के अगर ए जोन सा है वो मेंबर है ए का क्लास का, तो उसका कंप्लीमेंट भी क्या होना चाहिए, कंप्लीमेंट भी उसका मेंबर होना चाहिए, और सेकंड ये है व्हेन एवर ए सीक्वेंस ऑफ सेट ए आई इज डिफाइंड इज ए मेंबर ऑफ इज ए सबसेट ऑफ दैट क्लास, तो उसकी जो यूनियन होनी चाहिए उन मेंबर्स की, उस सीक्वेंस के सेट्स की, वो भी उसको बिलोंग करे। तो जब ये सिचुएशन होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आपका वो सिग्मा अलजेब्रा है। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो देखें जी इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूफ करते हैं, दो एलिमेंट्स देखें जी, फॉर एनी सेट, फॉर एनी ए सबसेट ऑफ एक्स, कोई भी एम्प्टी एक्स का एक सबसेट है सच डैट, अब देखना है जी ये इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए जोन से उसकी इंटरसेक्शन में आ रहा है, उसकी इंटरसेक्शन का मेंबर है एक आर्बिट्रेरी, तो हमने ये देखना है कि आया इनका कंप्लीमेंट भी ए का इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, इसका कंप्लीमेंट ए का हमने देखना है कि वो इसको बिलोंग करेगा। देखिए जी यहाँ पर अगर ये ए इंटरसेक्शन की क्लास ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डेट क्लास अगर ए उसको बिलोंग करता है फिर क्या सिचुएशन होगी, देखें हमने पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो
एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करते हैं तो एक्स इनफैक्ट दोनों को बिलोंग कर रहा होता है। ठीक है जी, यहाँ पर भी अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो वो हर एक को बिलोंग करेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ से हम कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू होगा जी ऑल मेंबर ऑफ द क्लास, ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आई। ठीक है जी, आपको पता है बट ईच ए अल्फा, अब आपको पता है कि हर क्लास का मेंबर, इस क्लास का हर मेंबर क्या है जी, क्लास का हर मेंबर एक सिग्मा अलजेब्रा है, हर मेंबर इस क्लास का सिग्मा अलजेब्रा है। सिग्मा अलजेब्रा है तो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि व्हेन एवर उसको एक सेट को सेट उसको बिलोंग करता है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, ए सबसेट ऑफ एक्स, एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स क्लास के किसी मेंबर को बिलोंग कर रहा है तो उसका कंप्लीमेंट भी उसको बिलोंग करेगा। बट ईच ए अल्फा इज ए सिग्मा अलजेब्रा। तो देखें जी यहाँ से आप क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज डैट के ए कंप्लीमेंट भी सिग्मा अलजेब्रा को बिलोंग करेगा, उस मेंबर को करेगा। अगर एक मेंबर को भी बिलोंग करता है तो सारे इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। कॉमन सी बात है, अगर यहाँ पर एक एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है तो वो इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, अगर हर एक में आ रहा है तो वो इंटरसेक्शन में भी आएगा। ठीक है जी, इसके आगे फॉर ऑल, अगर एक मेंबर हर एक मेंबर मेंबर एक हर एक सेट को बिलोंग कर रहा है तो उनकी इंटरसेक्शन को भी वो बिलोंग करेगा। ये कॉमन प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शंस की थ्योरी में। तो इट मींस कि यहाँ पर ए इंप्लीमेंट जोन सा होगा वो इंटरसेक्शन होल इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। ठीक है जी, तो यही हमने प्रूफ करना था यहाँ पर, एक बात हो गई। सेकेंड, अब हम प्रूफ करते हैं जी इसमें, लेकिन वही है कि सीक्वेंस लेंगे हम, यही चीज हमने पढ़ी थी कि सीक्वेंस लेंगे, सीक्वेंस ऑफ सेट्स उस इंटरसेक्शन का मेंबर लेंगे। लेट करते हैं जी सेकंड केस में कि लेट आई जी बी ए सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ वन एम्प्टी सेट एक्स। ठीक है जी, अब सच डैट, अब ये सीक्वेंस का सेट है क्लास का, अब ये उस आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का ये बिलोंग करता है, उसका सबसेट है, मींस कि ये उसको बिलोंग करता है। तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका इस जो सीक्वेंस का यूनियन भी इसको बिलोंग करता है कि नहीं, ऑर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन को, यही हमने देखना है। यहाँ पर अगर वो इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो इट मीन्स कि ये सीक्वेंस जो सा है इंटरसेक्शन हर एक नंबर को बिलोंग करेगा या उसका सबसेट होगा। ठीक, ऑल अल्फा बिलोंग्स टू जी, अगर ये सिचुएशन है तो इट मींस के सिंस, अब हमने देखा है सिंस ईच ए अल्फा इज ए सिग्मा अलजेब्रा है तो मींस उसमें कोई भी सीक्वेंस ऑफ सेट्स आएगा तो उसका जो काउंटेबल यूनियन होगा वो भी इसी को बिलोंग करेगा। जी, तो दिस इंप्लाइज दैट यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ दैट सीक्वेंस ऑफ सेट्स जी मस्ट आल्सो बिलोंग्स टू दैट सिंगल क्लास फॉर ऑल। अब ये इंटरसेक्शन से आया है तो इसलिए फॉर ऑल चलेगा इसमें, अब हर एक में आएगा तो इट मींस के ये यूनियन अगर मेंबर में है तो ये काउंटेबल यूनियन जोन सी होगी, अगर हर क्लास के हर मेंबर में है ये उसके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगी, बेसिक सेट की प्रॉपर्टी है। तो ये ही हमने इसमें प्रूफ करना था, ये इन प्रॉपर्टी होगी। देखें जी, फ्रॉम देयर फॉर एंड इम्प्लाइज, देखें वही प्रॉपर्टीज हैं कि अगर ए बिलोंग कर रहा है तो ए कंप्लीमेंट भी बिलोंग करे उस क्लास को, इंटरसेक्शन ऑर्बिटरी इंटरसेक्शन की क्लास है, अगर सीक्वेंस ऑफ सेट्स है वो इंटरसेक्शन क्लास ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डेट क्लासेस वो उसको बिलोंग करता है तो उनका काउंटेबल यूनियन भी जोन सा है वो इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। ये जब दो प्रॉपर्टीज सही हो जाए तो इट मीन्स कि जो राइट साइड पे चल रहा है हमारे पास इम्प्लाइज डैट डैट ऑर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लास इज ऑल्सो ए सिग्मा अलजेब्रा, हमने प्रूफ करना था।